प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जोधपुर में सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हिंदुत्व के मुद्दे पर जवाब दिया। मोदी ने कहा कि ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है। ये इतना विशाल है कि इस पूरे ज्ञान को समेटना इंसान के बस की बात नहीं है। राजस्थान के पुष्कर में सरोवर घाट पर पूजा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं कौल ब्राह्मण हूं। अब कश्मीर पंडितों ने भी इस बात की पुष्टि की है। कश्मीर पंडित ओमकार नाथ शास्त्री ने कहा कि राहुल गांधी ब्राह्मण हैं, उनका गोत्र दत्तात्रेय है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सोमवार को कपासन विधानसभा क्षेत्र के अनगढ़ बाबजी में आमसभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ना नेता ना नीति है और ना ही सिद्धांत। राहुल बाबा को 2014 के बाद इस देश का चुनावी इतिहास मालूम नहीं है। राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिसका ना नेता है ना नीति है ना सिद्धांत है। मैं हर रोज इनको पूछता हूँ कि भैया राहुल आपकी सेना का सेनापति कौन है, वो तो तनिक बता दो जरा। राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अब भगवान श्री राम का वनवास समाप्त होने वाला है। हमारी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है कि जल्द से जल्द राम भक्तों का सपना पूरा किया जाएगा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोगशी पर गदर मच गया है जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत दो लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा में दो लोग जख्मी भी हुए हैं। ये हिंसा ऐसे वक्त हुई है जब क्षेत्र में तीन दिन से चल रहे मुस्लिम समुदाय के इज्तिमा का समापन था। हालांकि फिलहाल हालत नियंत्रण में है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर होने के दो दिन बाद ओपी रावत ने नोटबंदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बड़े नोटों को बंद करने के सरकार के निर्णय से चुनाव में काले धन के उपयोग में कमी नहीं आई है। नोटबंदी ये सोचकर ही की गई थी कि इसके बाद चुनावों में पैसे का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। पुराने चुनावों से तुलना की जाए तो राज्यों के चुनाव में इस बार ज्यादा पैसे सीज किए गए हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सियासी तकरार अभी थमा नहीं है। बदली सियासी हवा के रुख को भांपते हुए सीएम के समर्थक सिद्धू से इस्तीफा लेने पर आमादा हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर मेरे पिता समान हैं, मैं उनको प्यार और सम्मान करता हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की एक जनसभा में बजरंगबली को दलित बताने पर हुए विवाद के बाद इसकी सफाई खुद देकर इसे खत्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि उनकी एक बात को बेवजह तूल दिया जा रहा है। ये वे लोग हैं जो धर्म को मर्म नहीं समझते हैं। लोग उनके बयान के बाल की खाल निकाल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। 11 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले 10 दिसंबर को विपक्षी पार्टियों ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। विपक्ष की यह बैठक संसद भवन में ही होगी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी नजर आई। सोमवार को प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स जहां 40 अंक गिरकर 36,241 पर बंद हुआ, वही निफ्टी 7 अंकों की तेजी के साथ 10,883 के स्तर पर बंद हुआ।